महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में सिर्फ वही वर्ग परेशान है जो जैसे तैसे अपना परिवार चला रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो अच्छे से चला सके। सरकार भी नई नई नीतियों को ला करके उनको और परेशानियां दे रही है, उनके ऊपर और भार डाल रही है। सरकार की एक और नई नीति आई है जिसमें वो गृह कर बढ़ाने को लेकर के बात कर रही है। ऐसे में जो आम वर्ग है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर सुशील कुमार बच्चा जी, उनसे हम बात करते हैं और उनका परिचय ले लेते हैं। पहले सर आपका सबसे पहले परिचय। मैं सुशील कुमार बच्चा, प्रवक्ता लखनऊ जन कल्याण महामंच, महासचिव इंद्रांगर आवासी महासमिति और महामंत्री जवाहर भवेंद्रा कर्मचारी महासंघ। सर सरकार जो है गृह कर बढ़ाने को लेकर के बात कर रही है, ऐसे में उन लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जो उपभोक्ता अपने जैसे तैसे परिवार चला रहे हैं और जैसे तैसे करके वो अपने काम कर रहे हैं। जी कल भी आपने पढ़ा होगा समाचार पत्रों में कि गृह कर बढ़ाने के लिए सरकार और प्रशासन प्रस्ताव देने जा रहा है। मैं एक बात बहुत अच्छी कहना चाहूँगा, आज पेपर भी निकला पढ़ा आप लोगों ने, अब आपका चैनल ने भी प्रमुखता से छापा भी है। मैं गृह कर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ईमानदार उपभोक्ता है वही वही गृह कर दे रहा है, वही बढ़ता तो वही फिर देता है। मेरा तो सुझाव ये है, सरकार से अपील है, अनुरोध विनम्र अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, जो नए घर बन गए हैं पूरे नगर निगम सीमा में, नर्सिंग होम है, टावर है, बारात घर है, तमाम आवासीय कॉलोनियों में लोगों ने अपने कमर्शियल धंधे खोल रखे हैं, इनसे पूरी तरह निरीक्षण करा के वसूली कर ली जाए तो बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और सरकार की जय जय हो जाएगी। तो ये अनावश्यक बोझ नहीं पड़ेगा ईमानदार उपभोक्ताओं को। मैं और मैं सरकार से अनुरोध करता कि सरकार इस सुझाव को मानेगी और लागू और इस पर जो है सब समाज खुश रहेगा। सर अगर गृह कर बढ़ जाता है तो फिर वो उन ईमानदार उपभोक्ताओं को कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? हाँ ईमानदार जब बढ़ जाएगा तो ईमानदार उपभोक्ता का तमाम दिक्कतें आ जाएंगी। जो कम पूंजी वाले हैं, मध्यम क्लास के हैं, निम्न क्लास के हैं, तो परिवार में पढ़ाई लिखाई सबसे प्रभावित हो जाती है। गृह कर किसी ज़्यादा आएगा तो उसको ये रोजमर्रा की चीज़ें जो हैं बाजारों में सब्जी लेना ये लेना तो उसका प्रभावित हो जाता है, आटा दाल की दिक्कतें आ जाती हैं। ईमानदार उपभोक्ता तुरंत अपन जमा करता है, चाहे बिजली बिल हो, चाहे गृह कर हो, चाहे पानी का बिल हो, चाहे सीवर कर हो। तो मैं सरकार से अपील करता हूं कि इसको नगर निगम लखनऊ भोपाल क्षेत्र है, इसका सर्वे करा करके जो नए मकान वाले हैं जो नहीं दे रहे हैं उनसे उनको चिन्हित करके उनसे वसूली की जाए तो बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर कर तो बढ़ाने की बात हो रही है, अगर नहीं बढ़ी तो ठीक है, अगर बढ़ा दी गई तो फिर आप लोग किस तरह से काम करेंगे, आपका अगला स्टेप जो है वो क्या होगा? हाँ बहुत अच्छी बात कही भाई, बढ़ेगा तो हम अपना जो संवैधानिक तरीके से जो विरोध प्रदर्शन होता हो वो करेंगे, हम शासन को के सामने चिल्लाएंगे, शासन मेरी बात जो जुनून बातें हैं नियमगत होंगी वो उनको लागू कराने का प्रयास करेंगे कि सर ऐसा नहीं हो, ऐसा होना चाहिए। भाई जनता ही सरकार है, सरकार को जनता ही बनाती है, जनता जब अच्छी बात करे तो सरकार भी मानेगी, उसका मैं विरोध प्रदर्शन करूंगा। सर गृह कर बढ़ा तो आप लोग के सामने किस किस तरह की समस्याएं आएंगी? गृह कर बढ़ेगा समस्याएं, पूरे घर प्रभावित हो जाता है, शिक्षा है, खान पान व्यवस्थाएँ जो घर में आता है उसकी समस्या बढ़ जाएगी, हर तरह की समस्या बढ़ जाएगी। तो कम पूंजी वाले तो क्या गृह कर देने में कठिनाई होगी, भाई बड़े लोग तो दे लेंगे, पैसे वाले हैं वो सब जमा कर देंगे, मगर जो 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 छोटे तबके लोग हैं वो कहाँ दे पाएंगे। भाई मेरा तो मानना बहुत अच्छी बात है, भाई तमाम लोग बड़े बड़े लोग जो अपना घर बनवाए हुआ तमाम कॉमर्शियल धंधे चला रहे हैं उन पर टैक्स बढ़ाया जाए। तो यह ईमानदार होता है जो सिंपली आवासीय कॉलोनी में केवल अपना परिवार रखता है, छोटा घर बनाया है, परिवार रख रहा है और उन पे भार नहीं पड़ेगा और इधर से कवर हो जाएगा। भाई नगर निगम सीमा नगर निगम जैसे है भाई, उसी पैसे से विकास होता है, तो विकास हो मगर विकास तो वो भी आवश्यक है, मगर सबसे वसूली तो हो, ईमानदार होता हूँ भार क्यों डाला जाए, हमारा कहने का मतलब ये है। तो इसलिए मैं सरकार से और
नगर निगम से भी निवेदन करता हूँ कि इस पर समीक्षा करें। और ये बात पहले भी एक बार बढ़ने प्रयास किया गया था, तब भी मैंने विरोध किया था, तो उसमें सरकार मानी भी थी, पैसा नहीं बढ़ा था, तो इसको भी सरकार मानेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। सर, आपको क्यों लगता है कि जो लोग कॉमर्शियल चीज़ें चला रहे हैं या फिर अपने घर में किसी तरह का धंधा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो लोग टैक्स नहीं देते हैं और जितने बाकी के उपभोक्ता हैं वही टैक्स देते हैं? नहीं, टैक्स कुछ देते होंगे हमें भाई, ये तो सरकार का दायित्व है, शासन प्रशासन का है, वो चेक करे कहाँ कौन धंधा चला रहा, कौन दुकान खोले, कौन किराएदार रह रहे। ये तो मैंने एक सुझाव दिया है, ऐसे बहुत होंगे, तो कम से कम वो भार, हमारा मतलब है ईमानदार उपभोक्ता पे भार ना पड़े। भाई मान लिया हम धंधा कर रहे हैं तो हमको कुछ प्रॉफिट जो होगा तभी टैक्स देंगे, तो जब टैक्स देंगे सरकार पर पैसा जाएगा, उससे विकास कार्य होगा, तो एक ही व्यक्ति पे भार क्यों पड़े? जैसे मैं ईमानदार हूँ तो हम ही देते रहे, और जो 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 जो, जो कॉमर्शियल धंधा भी कर रहे हैं, तमाम कॉलोनी में नर्सिंग होम है, टावर है, बारात घर है, तो उनको चिन्हित किया जाए। हम किसो उन्हें कर रहे हैं कि सब हर जगह बेईमानी है, मगर ये सर्वे ये काम होता है शासन प्रशासन का। भाई सरकार तो एक कहती है ये लागू भाई, तो सरकार एक अपना एक आदेश जारी करती है, तो उसमें हमारा सबका दायित्व तो बनता है, सरकारी मशीन है कि जो है सही तरीके से सर्वे करके सही तरीके से जो टैक्स बनता है वो टैक्स लिया जाए, और जो नहीं दे रहे उनसे भी लिया जाए, तो बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। धन्यवाद सर। गृह कर बढ़ाने को लेकर के सरकार ने जो नीति निकाली है उस पर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सुशील कुमार बच्चा जी, उनका ऐसा कहना है कि अगर सरकार गृह कर बढ़ाती है तो वो इसका खुलकर विरोध करेंगे, क्योंकि जो ईमानदार उपभोक्ता है उसे इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है जो लोग नगर निगम या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हैं और वो कर नहीं देते हैं और कर नहीं चुकाते हैं। अगर सरकार ऐसे लोगों से कर लेती है तो उन्हें आगे की कर बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।